दोस्तों फिर से नए एक ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने मामा घर पूर्णिया जा रहे हैं। तो अभी हम बथनाहा स्टेशन पे हैं और अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी ट्रेन जो है कटिहार से जोगबनी गई, ये है बथनाहा स्टेशन जो है, ये कटिहार जोगबनी रेलखंड पे ही स्थित है। और यहाँ से जो अभी ट्रेन जो है, जो कटिहार होते हुए बथनाहा है, वो अभी जोगबनी गई है। तो जोगबनी से जब ट्रेन रिटर्न होगी पूर्णिया के लिए, तब हम उस ट्रेन पर बैठेंगे। तो हमारे बैक साइड जो देख रहे हैं, ये लाइन जो है ये जाती है आपको, जो बैक साइड देख रहे हैं ये जाती है आपको जोगबनी जाती है। और ये बथनाहा जंक्शन है, जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक लाइन यहाँ जो है जस्ट थोड़ा आगे जाके एक नदी पड़ती है और उस नदी से रूट जो है डाइवर्ट हो गई है, तो एक विराटनगर नेपाल के लिए जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये ट्रेन जो देख रहे हैं आप, ये आई है अभी कटिहार से आई है और जोगबनी जाएगी। अभी बथनाहा स्टेशन पर रुकी है और अभी जोगबनी जाएगी, देख सकते हैं आप लोग। जो ये लाइन जो अभी देख रहे हैं, और ये लाइन जो है जा रही है आपको फोरबिसगंज होते हुए पूर्णिया होते हुए कटिहार। तो ये जोगबनी रेलखंड है और ये स्टेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप जो है, अगर किसी को कोसी बैरेज जाना है तो यहाँ से भी जा सकते हैं, गाड़ी पकड़ के बीरपुर जाना है तो बथनाहा से भी जा सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है ये, देख लीजिए आप स्टेशन का नज़ारा। ये ओवर ब्रिज न्यू बन के तैयार हुआ है, यहाँ देख लीजिए आप लोग। तो ये स्टेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी स्टेशन से जो है, यहीं से जो है जब कोसी बैरेज का निर्माण हो रहा था तो यहीं से ट्रेन जाती थी, जो कोसी बैरेज का जो सामान सब जो जा रहा था यहीं से जा रही थी। तो यहां से एक लाइन था जो बीरपुर होते हुए भीमनगर जाती थी, जिससे कोसी बैरेज जो निर्माण जो हो रहा था तो यहीं से ट्रेन जाती थी, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से जो है कोसी बैरेज जो है कम ही दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, तो जिसको आ सकते हैं और बथनाहा उतर के यहाँ से वो बीरपुर की गाड़ी पकड़ सकते हैं और यहाँ से वो कोसी बैरेज जा सकते हैं। तो जिस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उसी समय कोसी बैरेज का निर्माण हो रहा था, तो एक लाइन यहाँ से पहले जो है बीरपुर जाती थी, बीरपुर से होते हुए भीमनगर जाती थी और वहाँ पर बैरेज का जो जितना सामान जो लग रहा था, बन रहा था बैरेज निर्माण में, वो सामान सबको लेके जाती थी। फिलहाल वो रेल खंड तो बहुत पहले ही बंद हो चुकी है, लेकिन वो सरकारी ज़मीन अभी भी रेल का ही है, रेलवे विभाग का ही है, तो इसलिए ये स्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा आप लोग, और आगे हम सफ़र में बहुत कुछ दिखाने वाले हैं आप लोगों को। आ रहे हैं टिकट कटाने के लिए और यहाँ पे टिकट काउंटर पे चलेंगे, टिकट कटवाएंगे पूर्णिया के लिए। और ट्रेन जो है थोड़ी देर में आने वाली है, उससे पहले हम टिकट कटवा लेते हैं पूर्णिया के लिए। तो चलिए आपको हम लेके चलते हैं टिकट काउंटर के पास। अभी जो हम हैं टिकट काउंटर के पास जा रहे हैं, टिकट कटवाएंगे, आगे हैं।